हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे कार्ड से रिलेटेड। कार्ड मीन्स ताश के पत्ते, जो आने वाले आईबी के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने इसमें इजी और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दोनों दिए हैं, बट पेपर में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इजी क्वेश्चन ही आते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हिंदी में हैं और कुछ इंग्लिश में, बट आपको सब समझ आएंगे क्योंकि मैं उन्हें हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। आप थोड़ा सा बेसिक समझ लो, जो ताश वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी है। एक प्रोबेबिलिटी की डाइस वाली वीडियो भी बना दी है जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप उसे देख सकते हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अब देखिए, टोटल कार्ड्स होते कितने हैं। टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी क्वेश्चन में आपको 52 ही अप्लाई करना है, क्योंकि बिना 52 के ये पॉसिबल नहीं है। और जो अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, टोटल 52 कार्ड्स में ऐसे कितने पत्ते होते हैं, किस किस चीज़ के होते हैं। तो देखिए, 13 हार्ट के पत्ते होते हैं, 13 डायमंड के, 13 स्पेड के, 13 क्लब के। सभी चीज़ के कितने होते हैं? 13 होते हैं। ओके, तो 13 13 13 13 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स कर दो तो कितना होगा? 52। अब हार्ट मीन्स क्या होता है? पान का पत्ता। डायमंड मीन्स क्या होता है? ईंट। स्पेड मीन्स क्या होता है? हुकुम का पत्ता। और क्लब मीन्स चिड़ी या चिड़िया कह सकते हो। तो यहाँ तो ये इतनी सी चीज़ हुई। अभी इस चीज़ को याद रखना, बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ तो एक ग्रुप हुआ, ये ग्रुप है क्या है? हार्ट का एक ग्रुप होगा, डायमंड का एक ग्रुप होगा, स्पेड का एक ग्रुप होगा, मीन्स 13 पत्तों का एक ग्रुप होता है। तो ये ग्रुप हो गया, मीन्स एक पत 13 पत्तों का एक ग्रुप, जैसे हार्ट का, डायमंड का, स्पेड का और क्लब का। तो हर ग्रुप में चार चीज़ें होती हैं, एक एस, जे, क्वीन और किंग, और बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इक्का है, इसे एस को हम लोग इक्का कहते हैं। तो इक्का एक इम्पॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि इक्का, जैसे इक्का वाली प्रोबेबिलिटी, तो इसलिए इक्का भी याद रखना। और जैक, जैक मीन्स गुलाम, क्यून मीन्स बेगम और किंग मीन्स बादशाह। तो ये तीनों भी इम्पॉर्टेंट है और इक्का वाला भी इम्पॉर्टेंट है। हर ग्रुप में ऐसे चार मीन्स चार पत्ते ज़रूर होते हैं, एस, जैक, क्वीन, किंग। हार्ट में भी होगा, डायमंड में भी होगा, स्पेड में भी होगा और क्लब में भी होगा। तो ये इतनी सी बात भी बेसिक है। अब देखिए, ये टोटल जो 52 कार्ड्स होते हैं, कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, मीन्स देखिए 26 रेड होंगे और 26 ब्लैक होंगे। अब 26 कार्ड जो रेड होते हैं और जो ब्लैक होते हैं, वो इन दो ग्रुप में भी हो सकते हैं, या इन दो में हो सकते हैं, या इन दो में हो सकते हैं, या ये दो हो सकते हैं, या ये दो हो सकते हैं, कोई भी दो 26 हो सकते हैं। मीन्स रेड हो जाए, ये दो रेड होंगे, या ये दो रेड होंगे, या ये दो रेड होंगे, या कोई भी दो रेड होंगे, या दो ब्लैक होंगे। तो ये वो अलग चीज़ है, इससे कोई मतलब नहीं, समझाने के लिए था। तो 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। अब 12 क्या होते हैं? इन्हीं में से फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड क्या है? जैसे जैक, क्वीन, किंग, क्योंकि सभी ग्रुप में चार जैक होते हैं। देखिए, मींस एक ग्रुप में एक जैक होगा, तो हमारे पास कितने ग्रुप हैं? चार ग्रुप। तो चार जैक हो गए, चार ग्रुप हैं, चार क्वीन हो गई और चार किंग हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 4 4 8 3, मींस 4 4 8 और 4 12। तो टोटल कितने हो गए? ये हमारे जैक, क्वीन, किंग, फेस कार्ड हो गए। अब फेस कार्ड का दूसरा नाम क्या है? ऑनर कार्ड। तो क्वेश्चन में आ जाता है कि जैसे फेस कार्ड या ऑनर कार्ड, तो हम लोग इनको ही लेते हैं ऑप्शन में, जैक, क्वीन, किंग। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह इक्का होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो फॉर्मूला है वो देखिए, टोटल नंबर ऑफ ऑकर कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, या आप इसको शॉर्ट में कह सकते हैं, नंबर ऑफ कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। जो हम लोगों ने डाइस की वीडियो में फॉर्मूला यूज़ किया था, वही फॉर्मूला इसमें भी यूज़ करना है। अब ऑकर कंडीशन का मीन्स मतलब क्या है? जितनी कंडीशन बन सकती हैं, जैसे कि वह इक्का होगा, तो इक्का कितने होते हैं एक गड्डी में? चार इक्का होते हैं। तो यह इक्का को इंग्लिश में कहते हैं एस। तो टोटल कितने इक्का होंगे? चार इक्का होंगे। और टोटल यहाँ पर जो ऑकर कंडीशन है, मीन्स चार इक्का होते हैं, और टोटल कंडीशन में कितना है? मैंने बताया, टोटल कंडीशन में हमेशा आपको 52 ही रखना है। तो बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/13, यही आपका आंसर है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट थोड़ा डिफिकल्ट पे पहुँचेंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 पत्तों के पैक से मींस फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, एनसी अपॉन टीसी। ठीक है, 52 पत्तों के पैक से टोटल कितने हैं 52, एक कार्ड खींचने पर उसके बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता बताओ। तो यहाँ क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, अभी आप क्या कर रहे हैं, हमेशा ए अभी क्वेश्चन जो कर रहे हैं एक कार्ड खींचने वाला कर रहे हैं, तो आप सिंपली यूज कर लेंगे। यहाँ आप 52 ही रखिए, 52 को रखिए, सिंपल है। और दूसरा आप यहाँ पर किसको, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, या कह सकते हैं इंग्लिश में, और कहते हैं, अगर यहाँ पर या है तो आप क्या रखेंगे, आप प्लस का यूज करेंगे, और यहाँ पर अगर एंड लिखा या और कह दो हिंदी में और इंग्लिश में एंड, तो आप मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। अभी लेकिन या है तो आप प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उसके बादशाह या बेगम होने की, तो बादशाह देखो 52 कार्ड्स में कितने बादशाह होते हैं, चार बादशाह होते हैं, कितने होते हैं चार। दूसरा बेगम, बेगम कितने होती हैं 52 कार्ड्स में, वो भी चार होती हैं, तो चार चार 8/52, और इसको सॉल्व कर दो तो आपका बचा 2/13, यही आपका आंसर है। 52 ताशों की गड्डी मींस 52 पत्तों की गड्डी रहती, सॉरी, तो 52 पत्तों की गड्डी में से एक ताश खींचा जाता है, वह ताश बादशाह या ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला वही है, एनसी अपॉन टीसी, टोटल में कितना जाएगा 52, टोटल कंडीशन में 52, एनसी क्या रहेगा, देखिए, या ईंट का पत्ता, ईंट के कितने पत्ते होते हैं पूरे 52 में, 13 होते हैं, कितने होते हैं 13, ईंट कुछ इस तरह की होती है, कितने होते हैं 13 होते हैं, आपको पता है। दूसरा बादशाह कितने होते हैं, चार होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, या है तो प्लस होगा, ओके, बट अभी ये गलत है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब ईंट है, ईंट में आपने 13 पत्ते ले लिए, तो 13 में सभी कुछ आता है, मीन्स यहाँ पर बादशाह एक ऑलरेडी होगा, एक किंग पहले ही होगा, तो वो बादशाह जो यहाँ पर पहले ही से है, अगर हमने इसको यहाँ काउंट कर लिया तो हम इसको यहाँ क्यों लिखेंगे, या तो इसको 3 लिखो या फिर -1 कर दो, क्योंकि एक पत्ता हमने पहले लिख लिया। तो आप चाहे ये कर सकते हो, 13+, जब एक पत्ता हम बादशाह का पहले यहाँ पर ले चुके हैं, मीन्स इसमें काउंट कर चुके हैं, तो आपको यहाँ कितने बचे, फिर बादशाह एक निकालने के बाद यहाँ पर 3 बचे, तो फिर 13+3 रखेंगे और ये हो जाएगा 16/52, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 4/13, यही आपका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताश के 52 पत्तों में से यादृच्छाया एक पत्ता निकाला जाता है। तो यादृच्छाया के बहुत से मतलब होते हैं, कि फेंटने पर, या जैसे मीन्स पूरा उसको अच्छे से उसको सर्व कर लें, फेंट लें, तो उसको फेंटने पर एक पत्ता निकाला जाता है। तो टोटल वही फॉर्मूला क्या हो रहेगा, एनसी अपॉन टीसी, टोटल कितने हैं 52। अच्छा, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता हुकुम का हो लेकिन इक्का ना हो, पत्ता हुकुम का हो। अब हुकुम का हमने आपको दिखाया था, हुकुम का पत्ता कैसा होता है, हुकुम का पत्ता कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है हुकुम का पत्ता, और टोटल होते कितने हैं, ये 13 होते हैं, ओके, 13 होते हैं, 13 में, लेकिन उसने बोला पत्ता हुकुम का हो लेकिन इक्का ना हो, तो हमें इक्का चाहिए नहीं है, इक्का एक ही होगा, हुकुम में इक्का एक ही होगा, तो माइनस कर दो उसको, जब माइनस कर दोगे तो अपने आप 12 बचेंगे और इक्का भी नहीं रहेगा, तो कितना बचे, 12/52, और इसको सॉल्व कीजिए, अगर सिंप्लीफाई कीजिए मीन्स शॉर्ट करके, तो जो आपका आएगा 3/13, तो यही आपका आंसर है। और अभी हम लोग सिंगल वाले ही कार्ड कर रहे हैं, डबल वाले भी करेंगे, कि जब दो कार्ड खींचे जाते हैं या तीन कार्ड, क्योंकि उसकी कंडीशन अलग है। देखिए, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो मीन्स 52 कार्ड्स में से एक कार्ड खींचा जाता है, ड्रॉन मीन्स खींचना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग अ क्वीन ऑफ हार्ट और अ किंग ऑफ अ क्लब इज, तो पहले देखिए यहाँ पे क्या आ रहा, और आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ओके। दूसरा फॉर्मूला वही है, एन सी अपॉन
टीसी, तो टीसी के टोटल नंबर कितने होंगे, 52। अब यहाँ पर देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग क्वीन ऑफ अ हार्ट, तो हार्ट आपने देखा है हार्ट किस तरह का होता है, मींस पान का पत्ता, हार्ट किस तरह का होता है, पान का पत्ता इस तरह का, ये सॉरी क्या कर रहे हैं, ये इस तरह का पान का पत्ता होता है, ठीक है। तो ये कितने होते हैं, 13, लेकिन क्वीन ऑफ हार्ट, तो क्वीन तो 13 में एक ही होती है, कितनी होती है, हार्ट में भी एक क्वीन होती है, और ऐसी सेम कंडीशन है किंग ऑफ अ क्लब, क्लब क्या होता है, चिड़ी, तो चिड़ी भी आपने देखा है कुछ इस तरह का होता है, तो चिड़ी भी 13 होती है, लेकिन उसमें भी किंग एक होता है, एक क्वीन है और एक किंग है, तो 1 + 1 कर देंगे, तो टोटल कितना होगा, 2/52, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/26। वन अपॉन 26, यही आंसर है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो एक पत्ता मींस रैंडमली खींचने पर, मींस बिना देखे 52 कार्ड में से एक पत्ता खींचने पर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी कि वो फेस कार्ड हो। तो मैंने आपको फेस कार्ड बताए थे, फेस कार्ड होते कितने हैं, फेस कार्ड 12 होते हैं, और यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है, जैक क्वीन एंड किंग, जैक क्वीन एंड किंग, क्योंकि तीन कितने होते हैं, 4 ये होंगे, 4 ये होंगे और 4 ये होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि फेस कार्ड हमेशा 12 होते हैं। अब उसमें किसी चीज़ का ऑप्शन तो दिया नहीं कि वो क्वीन का होना चाहिए, जिसका भी हो, सिंपल रहता। तो यहाँ पर NC अपॉन TC टोटल कितने होंगे, 52, फेस कार्ड होते कितने हैं, 12, तो आप सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आएगा यहाँ पर 3/13, तो यही आंसर है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज आइदर अ किंग और अ डायमंड, तो यहाँ पर क्या आ गया, और आ गया, तो प्लस होगा, और यहाँ पर एक मींस 52 कार्ड्स में से एक पत्ता खींचने पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो राजा हो, अ किंग और अ डायमंड, एक राजा हो मींस जो एक पत्ता है वो राजा का होना चाहिए, और दूसरा या तो डायमंड, डायमंड क्या था हमारा, चिड़ी कुछ इस तरह की, मींस चिड़ी नहीं सॉरी ईंट, डायमंड क्या, ईंट आपने देखा था ईंट, तो ये होते कितने, 13 होते हैं, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, NC अपॉन TC टोटल कितना होगा, 52, अच्छा टोटल ये कितने होते हैं, 13। अब ये पहले ही जैसा क्वेश्चन है जैसे हमने किया था, उन्होंने बोला एक किंग होना चाहिए, तो किंग टोटल होते कितने हैं, 4, बट 4 होते हैं लेकिन एक हम पहले ही इसमें अटैच कर चुके हैं, जब इसमें पहले ही एक किंग जुड़ा हुआ है तो यहाँ बचे कितने, 3, तो ये टोटल कितना हो गया, 16/52, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 4/13, तो देखिए इसमें आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया 4/13, तो ये चीज़ ध्यान रखना, गलती मत करना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़े और डिफिकल्ट है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टू कार्ड्स आर ड्रॉन टूगेदर एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग्स, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, तो 52 कार्ड में से दो कार्ड खींचने पर, टू कार्ड्स आर ड्रॉन टूगेदर, साथ में दो कार्ड खींचने पर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग्स, तो दोनों कार्ड खींचने पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही राजा हो, बोथ मीन्स दोनों, दोनों ही कार्ड राजा हो, तो इस क्वेश्चन को कैसे किया, जब भी दो कार्ड में आ जाए, तीन कार्ड में आ जाए, चार कार्ड में आ जाए, जितने भी कार्ड निकालने को कहे, तो इसका तरीका अलग होता है, तो ये इतना डिफिकल्ट आता नहीं है, बट फिर भी एक बार सीख लीजिए, सेम चीज़ है, बट आपको करना क्या है, देखिए फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो यहाँ मीन्स 52 कार्ड्स, ओके, हाँ ये कॉम्बिनेशन का मेथड है, तो
तो सी लगाएंगे, अभी कॉम्बिनेशन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कराएंगे तब उसमें सिखा देंगे। तो कितने कार्ड निकालने पर, दो कार्ड निकालने पर, ठीक है, यहाँ दो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग्स, तो किंग्स कितने होते हैं, चार। ओके कॉम्बिनेशन कितने कार्ड निकालने पर, दो कार्ड निकालने पर, तो ये भी दो। ओके इसको सॉल्व कर लीजिए, तो फोर। अब यहाँ कितने, यहाँ टू लिखा है ना, तो जब जितने भी नंबर लिखे होंगे उतनी उतनी बार बैक कर दीजिए, 4 × 3। अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 लिखा होता तो 4, जैसे भी जितनी टाइम्स लिखा होता तो उसको हम करते जाते हैं। 6 तो पॉसिबल नहीं है, जैसे मान लो यहाँ 3 लिखा होता तो 4 3 2, और अगर ये 4 लिखा होता तो 4 3 2 1, तो ऐसे चलता अपॉन में 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 × 1 अपॉन ये वाला। अब 52 कितने टाइम, मीन्स 2 है ना, तो 52 से ही बैक ले जाएंगे, तो 52 51 अपॉन में 2 है तो 2 × 1। तो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती जब सेम होता है, क्योंकि ये चीज़ कट जाती है तो इसे लिखना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम चाहे तो काट दें, तो यहाँ पर हुआ कितना, 4 × 3 52 × 51। तो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट समझाने के लिए, जब लेकिन एक हो यहाँ, दो हो यहाँ पर, या यहाँ पर चार हो यहाँ एक हो, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए लिखा जाता है। बट सेम हो तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको कट कर लीजिए, तो जब 4 से कट करेंगे तो ये जाएगा 13 टाइम्स, 3 से इसे कट करेंगे तो ये जाएगा 3 × 3 17 टाइम्स चला जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1/221, क्योंकि ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं है कटने के बाद, तो ऊपर 1, नीचे 13 × 17 होता है 221, तो यही आपका आंसर है। टू कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, दो कार्ड साथ में खींचे जाते हैं, किसमें, 52 कार्ड्स में से। तो वही 52 कार्ड में से दो कार्ड साथ में खींचे जाते हैं, पर 52 कॉम्बिनेशन यहाँ पर दो कार्ड खींच रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज अ क्लब एंड वन इज अ हार्ट, तो इसमें ये देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज अ क्लब, तो एक क्लब का होना चाहिए, और यहाँ पर एंड लिखा है, क्या लिखा है, एंड, तो एंड का मतलब आप मल्टीप्लाई करेंगे, एंड वन इज अ हार्ट, तो एक पता हार्ट का होना चाहिए और एक क्लब का, तो क्लब में कितने होते हैं, 13, और हार्ट में कितने होते हैं, ये भी 13, और एक एक है, तो आपको यहाँ पर C1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अगर दो होते, तीन होते, तो आपको C2 लगाने की, अगर जैसे दो होते तो C2, तीन होते तो C3 लगाने की ज़रूरत रहती, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर वन इज़ अ हार्ट, वन इज़ अ क्लब है, तो कोई ज़रूरत नहीं। सॉल्व कर लीजिए, 13 × 13 अपॉन में 52, टू है ना, तो 51 अपॉन में 2 × 1, तो इसको ऊपर ले जाएंगे या यहीं से सॉल्व कर लीजिए काट के। तो 2 से अगर हम इसको कट करते हैं, या पहले तो चलो कट कर लेते हैं, जो भी हो कट हो जाएगा, तो या चलो 2 को ऊपर ले गए, 13 × 13 बेसिक है, 52 × 1, क्योंकि 1 तो ऊपर जाएगा, कोई मतलब का नहीं हो, वही चीज़ है। तो 13 से कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स, 2 × 2 = 4। ओके तो बचा क्या, ऊपर 13 बचा और नीचे 51 × 2 होता है 102, तो यही आपका आंसर है। यदि ताशों की गड्डी से दो ताश खींचे जाए, तो यहाँ पर कितने, दो ताश खींचे जाए, अभी इंग्लिश में कर रहे थे, अब हिंदी में भी देख ले रहे हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि उनमें से एक बादशाह और दूसरा बेगम हो। तो देखो टोटल में 52 ताश कितने खींचे जा रहे हैं, दो, तो 52 C2, ठीक है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि उनमें से एक बादशाह और दूसरा बेगम हो, और है तो इंटू होगा, आपको पता होना चाहिए, एक बादशाह, टोटल बादशाह होते कितने, चार, दूसरा बेगम हो, तो बेगम भी कितनी होती, चार, तो ये कितना होगा, 4 16, या इसको शॉर्ट मतलब काटो मत, सॉरी मल्टीप्लाई मत करो, 4 × 4 बाद में कर लेना, 52 × 51 अपॉन में 2 × 1, क्योंकि यहाँ 2 था, तो 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 4 × 2 अपॉन में 52 × 51,
तो सॉल्व किया तो ये 4 से जाएगा 13 टाइम्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 8, ऊपर बचा 8, और ये हो गया आपका 6 6 3, तो यही आपका आंसर है। ताशों की गड्डी को फेंटते समय 4 ताश गिर पड़ते हैं, मतलब ताशों की गड्डी को फेंटते समय 4 ताश गिर पड़ते हैं। इसमें देखिए 4 ताश जा रहे हैं, तो टोटल 52 C 4, 52 कॉम्बिनेशन 4, 4 ताश निकल रहे हैं। यदि एक ताश पान का, दूसरा ईंट का, तीसरा हुकुम का और चौथा चिड़ी का हो तो इसकी प्रायिकता बताओ। तो देखिए, ताश पान का, पान में कितने ताश होते हैं, मीन्स पान के कितने होते हैं टोटल, 13। एक ही बोला ना, एक ताश पान का, दूसरा ईंट का, तीसरा हुकुम का और चौथा चिड़ी का, तो 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के, 13 हुकुम के और 13 चिड़ी के। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, प्रायिकता अपने आप आ जाएगी। तो 13 × 13 × 13 × 13 × 13, और ये हो जाएगा 52, कितने टाइम से, फोर, यहाँ पर कॉम्बिनेशन में 4 है तो 52, 51, 50 और एक और करेंगे तो अभी 49 कहाँ तक पहुँचा, मीन्स 4 बार हो गया, 1 2 3 4। इसको और सॉल्व किया, कट करके सिंपलीफाई करके 13 से 4 टाइम्स, तो और भी जितना भी कट हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी अपॉन में एक चीज़ और रह गई है, क्योंकि यहाँ 4 है तो 4 3 2, बिना इसके आंसर भी नहीं आ पाएगा। तो ये 4 वगैरह को हम ऊपर ले जाएंगे, या यहीं काट लो, ऊपर ले जाने से अच्छा यहीं काट लेते हैं। तो 3 से अगर इसको काटें तो ये जाएगा 27 टाइम्स, 3 सॉरी 17 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स, 17 टाइम्स, और ये 2 से जाएगा 25 टाइम्स, 25 टाइम्स चला गया, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ बचा क्या, 17 25 और 49, मीन्स दोबारा से लिख लेते हैं, यहाँ पर ऊपर आएगा 13 × 13 × 13, और यहाँ अपॉन में 17 × 25 × 49, बाकी कुछ भी नहीं बचा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपका आंसर आएगा 2197, क्योंकि 13 का क्यूब होता है 2197, और इनको मल्टीप्लाई करने पर होगा आपका 28 25। तो आप इसको करके चेक कर लेना, हो सकता है कि मिस्टेक हो, बाकी मल्टीप्लाई ठीक है। ताशों की गड्डी से 3 ताश यादृच्छा खींचे जाते हैं, उनमें से एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो देखिए, यहाँ पर 3 ताश खींचे जाते हैं, कितने, तो 52 C 3, उनमें से एक बादशाह, तो बादशाह टोटल होते कितने, 4 होते हैं, ओके, एक बेगम तो वो भी 4 होती है, और एक गुलाम तो वो भी 4 होता है। प्रायिकता निकाल लो, 4 × 4 × 4, 52, 3 बार है ना, तो 51 एंड 50, कट कर लो यहाँ पर, जो कट करके जितना भी आया, और अपॉन में 7 में 3 है तो 3 × 2, तो 1 भी लिख लो। अब यहाँ से 3 से कट कर लो तो ये चला जाएगा 17 टाइम्स, 2 से कट कर लो 25 टाइम्स, और अब यहाँ इसे 4 से कट करेंगे तो ये जाएगा 13 टाइम्स। तो नीचे क्या क्या बचा और ऊपर क्या क्या बचा, ऊपर बचा 4 × 4, नीचे बचा 13 × 17 × 25, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 अपॉन सॉरी 55 25, यही आपका आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन है, 52 ताशों की गड्डी में से 52 ताशों की गड्डी में 3 ताश खींचे जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि तीनों ताश बादशाह होंगे। तो 3 ताश खींचे जाते हैं, कितने में से, तो 52 कॉम्बिनेशन 3, ओके, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि तीनों बादशाह होंगे, तीनों ताश बादशाह होंगे, तो बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं तीनों ताश, तो यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन 3, क्योंकि तीनों ताश की बात हो रही है, यहाँ पे एक ताश की बात नहीं हो रही, एक ताश बादशाह होगा, यहाँ तीनों ताश की बात हो रही है, तो 4 कॉम्बिनेशन 3, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो सॉल्व कर लीजिए, 4 और
थ्री टाइम्स है ना यहाँ पे, कॉम्बिनेशन में थ्री है तो फोर, थ्री टू वन लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं कोई मतलब तो है नहीं। अपॉन में थ्री का, थ्री इंटू टू वन लिखना चाहे तो लिख लीजिए। अब अपॉन ब्रैकेट में 52, 51, 50 अपॉन में फिर थ्री टू वन लिखना इसलिए ज़रूरी नहीं था क्योंकि यहाँ पर दोनों ही सी थ्री थे तो यहाँ कट जाते तो ये इसको भी आप काट सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं था। तो यहाँ पर अब देखिए बचा क्या क्या, थ्री से 17 टाइम्स इसको काट दो, टू से 25 टाइम्स इसको काट दो, फोर से 13 टाइम्स इसको काट दो। तो यहाँ पर सीधा ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है वन अपॉन में ये 13, 17 इंटू 25 पहले ही मल्टीप्लाई किया था इसी चीज़ का, तो ये आएगा 55, 25, यही आपका आंसर है।